वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम चाइल में हैं और जंगल स्टेज में रुके हुए हैं। अगर आपने हमारा जंगल स्टेज का व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे चेक करें। यू कैन ऑल्सो DM us ऑन आवर इंस्टा ID इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस। चलिए चाइल एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे अ टेम्पल इन माई ड्रीम। गाइस अभी हम चल रहे हैं रोड पर पैदल, और ये रोड नैरो रोड है, सिंगल लेन है, और यहाँ पर गाड़ी जो है वो आ सकती है ऊपर तक, बट हमें थोड़ा ट्रैकिंग का शौक है तो वो भी थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गए। यहाँ पर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है, और क्योंकि गाड़ी के लिए एक सिंगल लेन है तो सामने से अगर गाड़ी आती है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर एडजस्टिंग। तो एक तो ये है, और साथ के साथ ये है कि यहाँ पर आप वॉक करेंगे, नेचर वॉक करेंगे, हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। तो आइए पैदल चलिए थोड़ा सा। फाइनली पहुँच गए हैं अ टेम्पल इन माई ड्रीम, और ट्रेल करके मजा आया। तो दोस्तों ये है स्टोन्ड कुंभ टेम्पल, और ये जो है ऐसा कहा जाता है कि सत्यभूषण नाम के एक व्यक्ति ने इसको 1980 से बनाना शुरू किया और सिंगल हैंडेडली इसको बनाया। तो इट इज़ रियली ऑसम कि एक सिंगल व्यक्ति इसको बनाए और इतना अच्छा बनाए। अभी भी कुछ इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है यहाँ पर, बट जितना भी है मार्वलस। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पर, विच इज चाइल पैलेस। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चाइल पैलेस, विच इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑफ चाइल। इसका काफी पोर्शन आज की डेट में एक होटल में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें रहने के लिए आपको बहुत एडवांस में बुकिंग करनी होगी, अप्रॉक्स 1-1.5 महीने पहले से। तो फ्रेंड्स यहाँ का एंट्री टिकट 100 रुपीज पर पर्सन है। अभी कोविड के टाइम पे रश थोड़ा कम है, अदरवाइज यहाँ पे काफी रश आता है, लेकिन फिर भी कोविड के टाइम में काफी अच्छी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। चाइल से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। कहा जाता है कि महाराजा भूपेंद्र सिंह की ब्रिटिशर्स के साथ कुछ अनबन हो गई थी, जिसके चलते उनको समर कैपिटल शिमला से एक्सपेल कर दिया गया था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी खुद की समर कैपिटल बनाएंगे, जिसको ढूंढते हुए वो चाइल आए। उनको चाइल बहुत ही खूबसूरत लगा, जो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। तब उन्होंने ये पैलेस 1891 में बनाया। ऐसा कहा जाता है कि इनकी 10 वाइफ्स थी, जिनसे 83 चिल्ड्रन हुए, आउट ऑफ विच 53 सर्वाइव्ड। और तो और वर्ल्ड फेमस पटियाला पैग इन्हीं की देन है। 3 Idiots मूवी में जो रणछोड़ दास का मेंशन दिखाया है वो यही है। शायद आपको ये ना मालूम हो कि पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराजा भूपेंद्र सिंह के ही ग्रैंडसन हैं। महाराजा भूपेंद्र सिंह वॉज अ बिग क्रिकेट एंथुसियास्ट, और उन्होंने 1893 में एक क्रिकेट स्टेडियम बनवाया, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है। दोस्तों हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, सोनी द ढाबा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये जनेट घाट में पड़ता है, और यहाँ गूगल मैप से आसानी से पहुंच सकते हैं। यारो एक अरसा हो गया चूल्हे की रोटी खाए हुए,
आज बहुत मजा आने वाला है। चूल्हे की रोटी बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है, पर इसका स्वाद भी अनोखा होता है। इसे कहते हैं असली फुल्का। हाँ, कितने साल हो गए दादी को? दादी को हो गए कम से कम 60 साल पुराने। 60 साल हमारे बुजुर्ग थे, पहला उन्होंने चलाया था, हमारे गुरु थे। हाँ। उसके बाद हम चला रहे हैं। तो आपका मेन्यू एक सा रहता है हमेशा या डिफरेंट करते हैं? कड़ी तो हमेशा रहती है। अच्छा अच्छा, रोटी सब्जियाँ बदलती है, बाकी सब्जी अलग अलग। प्राइस वगैरह कैसे क्या रहते हैं? बस ऐसे है जैसे जैसे लेना, कोई कम आइटम लेता है, कोई पूरी थाली लेता है। अच्छा अच्छा, जैसे पूरी थाली अगर हम लेंगे तो कितने की पड़ती है? 200 रुपए की। उसमें अनलिमिटेड फूड है, उतना भी आप खाना चाहिए। थैंक यू। बाकी किसी ने कम लेना हो ना उनसे कम, तो अलग से जो दाल रोटी खानी हो तो दाल रोटी की पैसे लगता। खाना लग गया है और ये है गोभी आलू की सब्जी, ये कड़ी है, ये रायता है, ये दाल है और ये पनीर और ये चना। चोरों की भूख लगी हो और सामने स्वादिष्ट खाना रखा हो तो कौन रुक सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये रोटी है, फिर घी लगाया, फिर शक्कर डाले, फिर डाला। तो यहाँ सोनी दे ढाबा पे आकर के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, अंकल आंटी से मिल करके बहुत खुशी हुई और मौका लगेगा तो जरूर दोबारा से फिर आए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं काली का टिब्बा मंदिर और यहाँ पे काफ़ी अच्छी पार्किंग है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं और इसका एंट्री एग्जिट अलग अलग डोर्स है तो कोई परेशानी नहीं है गाड़ियों को निकालने में भी। चलिए अब अंदर चलते हैं। दोस्तों अभी हम जो काली टिब्बा मंदिर में हैं तो वहाँ से पीछे का जो व्यू है अभी थोड़ा सा धुंध छाई हुई है इसलिए उतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट मस्त लोकेशन है, मजा आ गया। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।